हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज की हमारी वीडियो है सी टेट के डिटेल्ड सिलेबस के बारे में। तो मैंने इससे पहले आपको सी टेट के बारे में जो उसका नोटिफिकेशन आया था उसके बारे में मैंने अच्छे से बताया था कि किस तरीके से आप लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड को चूज़ कीजिए, आपको कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए और किस तरीके से आप आराम से अपना सी टेट क्रैक कर सकते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चों ने मुझे बोला था कि एक सिलेबस की आप अलग से ही वीडियो लेकर आएँ, तो मैंने बताया था आपको कि मैं अलग से वीडियो लेकर आऊँगी और आज ये हमारी वीडियो आ गई है। तो इसको आप पूरा ज़रूर सुनिए ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से आपको अपनी स्ट्रेटजी बनानी है और कैसे उसको फॉलो करना है ताकि आप आराम से ये वाला सी टेट क्रैक कर सकें और वो भी कुछ ही दिनों की स्टडी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हम यहाँ पर अपनी डिटेल चर्चा करेंगे कि सिलेबस कैसा है और उसको आपको किस तरीके से कवर करना है। तो देखिए, जो हमारा फर्स्ट जो पार्ट होता है वो होता है हमारा CDP का, यानी कि चाइल्डहुड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी। तो चाइल्डहुड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी हमारा CDP है, जिसमें आपको चाइल्डहुड पैडागोजी यानी किस तरीके से आप बच्चों का विकास करेंगे, क्या क्या आपको स्ट्रैटर्जी अपनानी चाहिए, इन सब के बारे में आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इसमें अगर आप अच्छे से अपना कंटेंट और कंसेप्ट को समझ लेते हैं तो 30 में से आपके बिल्कुल आराम से 27+ मार्क्स आ जाते हैं। और इसकी मैं पूरी क्लासेस आपके लिए लेकर आऊँगी और आप आराम से गारंटी 25+ मार्क्स लेकर आएंगे, 25 to 30 भी आप पूरा ले कर आ सकते हैं। तो देखते हैं हम इसके बारे में। तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर पूछा जाएगा कंसेप्ट और डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग, यानी कि आपका कंटेंट कैसा है और कंसेप्ट क्या है डेवलपमेंट का और इसके रिलेशनशिप लर्निंग के साथ कैसे, इस बारे में आता है। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, तो इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो डेवलपमेंट के प्रिंसिपल अच्छे से आपको करना पड़ेगा, ये सेकेंड आपका टॉपिक है। फिर उसके बाद है इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, यानी कि एक बच्चे के जो उसकी लाइफ होती है उसका बड़ा होने में उसकी पूरा का पूरा जो भी डेवलपमेंट होता है उसमें हेरिडिटी और एनवायरनमेंट उसको किस तरीके से प्रभावित करता है उसके बारे में पूछा जाता है। फिर आता है हमारा सोशलाइजेशन प्रोसेस, जैसे कि सोशल वर्ल्ड और चिल्ड्रन, यानी कि इसमें आता है हमारे टीचर, पेरेंट और पीयर्स के बारे में। इसके बारे में हम पूरा डिटेल मैं आपके लिए वीडियोस लेकर आऊँगी, सो डोंट वरी। फिर हमारे आता है जो सबसे इम्पोर्टेंट है प्याजे, कोलवर एंड व्योगोस्ट की थ्योरीज। जो ये थ्योरीज है इनमें से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसका कंसेप्ट तो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और ये काफ़ी ईजी भी है, अगर आपने एक बार समझ लिया तो आपको सबसे ईजी लगेगा। फिर आता है हमारा कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, यानी कि सबसे पहले जो एक टीचिंग थी वो कैसी होती थी, टीचिंग सेंटर्ड होती थी, यानी टीचर सेंटर्ड होती थी, लेकिन अब की जो टीचिंग है वो है हमारी लर्नर सेंटर्ड, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड जो हमारी एजुकेशन है उस पर अब फोकस किया जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चों को ही ध्यान में रखकर फोकस किया जाता है किस तरीके से उसका डेवलपमेंट करना है। तो कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे। आता है हमारा क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस। उसके बाद हमारा आता है मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस। फिर हमारा आता है लैंग्वेज और थॉट्स के बारे में। फिर फिर आता है हमारा जेंडर एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट, जेंडर रोल्स, जेंडर बायस एंड एजुकेशन प्रैक्टिस, यानी कि जो जेंडर हमारा बायसनेस होती है लड़कों और लड़की में जो भेदभाव किया जाता है, और जेंडर के जो रोल्स होते हैं, रोल्स में बेसिकली आपको पूछा जाता है जैसे कि लड़के का क्या रोल है, लड़की का क्या रोल है, जैसे आजकल बोला जाता है, मतलब एक हमारे जो दिमाग में एक चीज़ है कि बाहर जाकर कमाना एक तरह से और अपने घर को संभालना जो लड़कों का काम है, मतलब पैसों से रिलेटेड, और जो घर को संभालना जैसे कि किचन का काम करना, अपने बच्चों को संभालना, घर की जो सेवा करना, ये सारा किसके काम है, ये फीमेल्स के काम है। तो इस तरीके की जो चीज़ होती है जो हमारे को बचपन से ऐसा बोला जाता है कि ये काम, मतलब जो डिवाइड कर दे जाते हैं किसी काम को कि ये काम सिर्फ लड़के ही करेंगे, ये लड़के करेंगे, तो इस तरीके की चीज़ को बोला जाता है जेंडर रोल्स। और जेंडर वाइज जैसे कि आप जानते हैं कि कई बार ऐसा भी होता है अगर एक घर जो काफ़ी गरीब है या फिर उसकी सोच थोड़ी सी पुरानी है और उस घर में लड़का लड़की दोनों हैं, तो वो लोग क्या करेंगे कि लड़के की पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो इस तरीके की चीज़ को क्या बोला जाता है, जेंडर बायस। तो इस बारे में हम डिटेल चर्चा करेंगे अपनी क्लासेस में।
फिर है हमारा इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर्स, इंडिविजुअल डिफरेंस अमंग लर्नर्स, अंडरस्टैंडिंग डिफरेंस बेस्ड ऑन द डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज, कास्ट, जेंडर, कम्युनिटी, रिलीजन। यानी कि हर एक बच्चा दूसरे बच्चे से अलग होता है, सब बच्चों की कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, हर किसी के जो लाइक्स डिसलाइक्स अपवर्ड्स अलग होते हैं, तो हर एक बच्चा दूसरे बच्चे से अलग होता है, तो उनके जो डिफरेंसेस होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और ये जो अंडरस्टैंडिंग किस तरीके से अलग होती है, किसके बेस पर, लैंग्वेज के बेस पर, कास्ट के बेस पर, जेंडर, कम्युनिटी के बेस पर, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक। और फिर आता है हमारा डिस्टिंक्शन बिटवीन असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग, स्कूल बेस्ड असेसमेंट, कंटिन्यू एंड कॉम्प्रहेंसिव वैल्यूएशन। तो इसमें हम बताएंगे कि जो कंटिन्यू यानी CCE जो सबसे आजकल इम्पोर्टेंट है, तो CCE यानी क्या होता है, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवेल्यूएशन। फिर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट में फॉर्मुलेटिंग अप्रोप्रिएट क्वेश्चन फॉर असेसिंग रीडिंगनेस एंड लेवल ऑफ लर्नर्स, फॉर एनहेंसिंग लर्निंग क्रिटिकल थिंकिंग इन द क्लासरूम एंड फॉर असेसिंग लर्नर डेवलपमेंट। यानी कि उनका अचीवमेंट कैसी होनी चाहिए बच्चों की, उनको क्या एनहेंस करना है, क्रिटिकल थिंकिंग किसी बच्चे के लिए, जो किसी भी टीचर के लिए बच्चों का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है जिसको हमें एनहेंस करना है, वो होता है हमारा लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। उसके बाद फिर इसका भी पार्ट आता है हमारा कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं आपको NCF मेरे आप चैनल पर जाकर देखेंगे तो NCF 2005 पर डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाई हुई है, उसमें मैंने इंक्लूसिव एजुकेशन का भी जिक्र किया है। इसके लिए मैं अलग से क्लासेस भी लाऊंगी, लेकिन फिर भी अगर आपको उसके बारे में थोड़ा जानना है कि NCF 2005 जो इंट्रोड्यूस किया गया था उसमें क्या क्या मेन फैक्टर्स थे, मेन पॉइंट्स क्या थे, और वो किस तरीके से हमारे एजुकेशन को पहले के मुकाबले चेंज करता है, तो आप कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन का उसमें से जाकर आप NCF 2005 की जो मेरी वीडियो है उसको ज़रूर देखिए, जाके आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा। तो उसके बाद अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको स्पेशल नीड्स की ज़रूरत होती है, तो उन बच्चों के हमें उन नीड को किस तरीके से हम समझें और किस तरीके से उनको वो पूरा करें, इसके बारे में हम डिटेल चर्चा आगे करेंगे। एड्रेसिंग लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड इंक्लूडिंग डिसएडवांटेज एंड डिप्राइव्ड, एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद लर्निंग डिफिकल्टीज इम्पेयरमेंट एक्सेट्रा, एड्रेसिंग द टैलेंटेड क्रिएटिव स्पेशल एबल्स लर्नर्स। देखो इसमें बेसिकली ये हमें बताना है, ये पढ़ेंगे हम इसके बारे में कि हर बच्चा एक दूसरे से अलग होता है, तो किस तरीके से जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं, क्रिएटिव बच्चे होते हैं और स्पेशल एबल्ड लर्नर्स होते हैं, किस तरीके से हम उनको एड्रेस कर सकते हैं, किस तरीके से हम उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको किस तरीके से उन्हें गाइड करें और उनको अच्छा परिवेश उनको दें। और कई बच्चे ऐसे होते हैं जो उनको डिफ़िकल्टी होती है, लर्नर डिफ़िकल्टीज़ के बारे में डिटेल वीडियो में जैसे कि बोल रही हूँ कि मैं क्लास वाइज आपके लिए सारी वीडियोज़ लेके आऊँगी, तो उसमें हम लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ पढ़ेंगे। और जैसे कई बच्चों को पढ़ने में दिक्कत महसूस होती है, कई बच्चों को बोलने में महसूस होती है, तो इस तरीके से ये होते हैं हमारी लर्निंग डिफ़िकल्टीज़, ठीक है। और जो बच्चे काफ़ी अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं उनके क्या डिसएडवांटेज है और किस तरीके से उन चीज़ों को हमको अपना टीचर्स को एड्रेस करना है, ठीक है, ये हमारा बी कंसेप्ट में पूरा पढ़ेंगे। फिर हमारा सी लर्निंग एंड पैडागोजी, तो जो थर्ड इसका है CTP का वो है हमारा लर्निंग एंड पैडागोजी। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, हाउ एंड वाई चिल्ड्रन फेल टू अचीव सक्सेस इन स्कूल एंड परफॉर्मेंस। देखिए इसमें हम चिल्ड्रंस के बारे में पढ़ेंगे कि मतलब ये बच्चा किस तरीके से सोचता है, जब हमें ये पता होगा बच्चा क्या सोचता है और क्या उसको सीखना है तो हम उसको अच्छे से गाइड कर पाएंगे, पढ़ा पाएंगे। तो टीचर का जो बेसिक एक टीचर बनने का जो मेन उद्देश्य होता है कि बच्चों को किस तरीके से आप डेवलपमेंट कर रहे हैं और किस तरीके से बच्चों को आप अच्छे तरीके से उनको बेहतर इंसान बना पा रहे हैं, ठीक है। तो हम यही तो टीचर बनने के लिए सीख रहे हैं। तो CTET में जो आपसे यही पूछा जाता है कि कैसे आप एक अच्छे टीचर बन सकते हैं, उनका बेसिक जो CTET लेने का जो उद्देश्य है वो यही है कि ये जो सामने जो कैंडिडेट है वो किस तरीके से भविष्य में एक अच्छा टीचर बन सकता है। तो अगर वहाँ ज़्यादा आप अच्छे आंसर्स देंगे तो ऑफकोर्स आपका सिलेक्शन हो जाएगा, यानी कि आपके 60% प्लस जो कि 90 मार्क्स है वो ईजिली आ जाएंगे। तो इस पर आपको अच्छे से फोकस करना है। बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, तो एक प्रोसेस क्या है टीचिंग एंड लर्निंग का, बेसिक प्रोसेस हमें बताना है इसमें किस तरीके से एक टीचर का प्रोसेस आप करेंगे, मतलब एक प्रोसेस होता है टीचिंग एंड लर्निंग का, वो करना है। चिल्ड्रन स्ट्रेटजी आपको बतानी है, लर्निंग एज अ सोशल एक्टिविटी एंड सोशल कंस्ट्रक्ट लर्निंग, ठीक है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे। मैं सिर्फ अभी आपको ये बता रही हूँ कि
सिलेबस क्या है और उसमें हम क्या पढ़ेंगे। ओके तो नेक्स्ट है हमारा चाइल्ड एज ए प्रॉब्लम सोल्वर एंड ए साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर। ठीक, यानी कि जो बच्चा है वो क्या है, वो एक प्रॉब्लम सोल्वर भी होता है और एज ए साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर। आप देखते होंगे कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको कुछ चीज़ बता दो तो उसको वो काफ़ी पूछने लगता है, ये कैसे होता है, ये क्यों होता है, अच्छा ये क्यों हुआ था। तो मतलब एक तरीके से उनको हर कुछ जानना होता है सब कुछ, तो उनको क्या बोला जाता है, एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर भी बोला जाता है। फिर है अल्टरनेटिव कंसेप्शंस ऑफ लर्निंग इन चिल्ड्रंस, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस एरर एज ए सिग्निफिकेंट स्टेप इन द लर्निंग प्रोसेस। तो उनके जो कुछ एरर्स हैं उनको अंडरस्टैंड करना, उनके कंसेप्शंस को अंडरस्टैंड करना, वो भी हम पढ़ेंगे। फिर आता है कॉग्निशन एंड इमोशंस, मोटिवेशन एंड लर्निंग फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू लर्निंग पर्सनल एनवायरमेंट। ऐसे काफ़ी सारे फैक्टर्स भी होते हैं जो हमारे पर्सनल और लर्निंग एनवायरमेंट को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। और मोटिवेशन और लर्निंग के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से हम बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं, उनको अच्छा जो एक लर्निंग में जो चेंजेस होते हैं उनको अच्छे से ला सकते हैं और उनको अच्छा सिखा सकते हैं, लर्निंग का मतलब सिखाना। और वो इमोशंस और कॉग्निशन इमोशंस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ, ये हमारा CDP हो गया कंप्लीट। देखिए अब हमारा नेक्स्ट लैंग्वेज वन, जैसे कि मैंने आपको पहले बोला है लैंग्वेज वन में आप वही लैंग्वेज चूज़ कीजिए जो कि आपको इजी लगती है, ठीक है, और बाकी आपके अपने ऊपर है। बट ये मैं सजेस्ट करूँगी कि आप फर्स्ट में लैंग्वेज वन को वही चूज़ करना जो आपको इजी लगे, जो आपको अच्छे से आती हो वो आपको लैंग्वेज वन में लेना है, सेकेंड जो भी आपको उसके बाद आती है उसको वो लेना है, ठीक है। तो इसमें काफ़ी ईजी आता है, लेकिन लैंग्वेज वन हिंदी और इंग्लिश है जो भी आपकी लैंग्वेज है वो काफ़ी ज़्यादा इजी होती है। तो देखिए लैंग्वेज वन हमारा आता है रीडिंग एंड सीन पैसेज, टू पैसेज आएगा, मतलब किसी भी चीज़ पर आ जाता है, पोएम भी आ जाती है, कभी ड्रामा के ऊपर या कभी किसी सोशल एक्टिविटी के ऊपर पैसेज आ जाता है, उसमें से आपको क्वेश्चन ढूंढने हैं और लगाने हैं। इसमें वो क्या चेक करते हैं, उसमें चेक करते हैं कि जो कैंडिडेट है उसकी एबिलिटी कितनी है, कि वो चीज़ में से उसका काफ़ी मीनिंगफुल ऑप्शन को चूज़ करें, सिर्फ और सिर्फ जल्दी से उसको पढ़ के, क्योंकि काफ़ी टाइम नहीं मिलता आपको, काफ़ी कम टाइम के अंदर आपको वो करना होता है, और यही आपकी क्वालिटी को वो चेक करते हैं। और ये काफ़ी इजी भी आता है, इसकी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगी ज़रूर। तो इसमें ग्रामर आती है, वर्बल एबिलिटी आएंगी आपकी, फिर उसके बाद हमारा आता है बाकी जो 50 मार्क्स की होती है वो हमारी क्या होती है, पैडागोजी होती है। तो 50 मार्क्स की पैडागोजी और 50 मार्क्स का हमारा होता है पैसेज, जिसमें से आप आराम से 13 मार्क्स 13+13+ यानी 26 मार्क्स आप आराम से ले सकते हैं किसी में से 30 में से, और 26 पासिंग में कई कई बच्चों के तो 30 out of 30 भी आ जाते हैं। तो इसमें आप क्या बताएंगे, देखिए पैडागोजी में आपका सिंपल सा पूछा जाएगा, जैसे कि लर्निंग एंड एक्वाइजिशन, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, मतलब प्रिंसिपल्स जो आपको पूछे जाएंगे, रोल ऑफ लिसनिंग एंड, मतलब इसमें इंग्लिश के या जो भी हिंदी आपका जो भी लैंग्वेज वन लोगे उसके बारे में पूछा जाएगा आपसे, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, हाउ चिल्ड्रन यूज़ इट एज ए टूल, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव होगा, चैलेंजेस होते हैं जो लैंग्वेज टीचिंग के लिए क्लासरूम में, किस तरीके से आप उस चीज़ को कर पा रहे हैं, लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ आपकी, लैंग्वेज डिफ़िकल्टीज़, एरर्स और डिसऑर्डर्स, काफ़ी सारी चीज़ इसमें आएंगी। डिसऑर्डर्स के बारे में भी मैं डिटेल आपकी वीडियो बनाऊँगी जिसमें कि लर्निंग डिसऑर्डर्स और ये सारी चीज़ें, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ आपकी आएंगी। ओके फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है लैंग्वेज स्किल्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक दो क्वेश्चन इसमें से आते हैं। फिर आता है हमारा इवेल्युएशन लैंग्वेज कॉम्प्रहेंसिव एंड प्रोफेंशियस स्पीकिंग लिसनिंग रीडिंग एंड राइटिंग, यानी कि इसमें आप जो भी लैंग्वेज चुन रहे हो, आप इंग्लिश हिंदी अपनी खुद की जो भी काफ़ी लैंग्वेज का ऑप्शन है, तो आपकी उसमें प्रोफेंशी कैसी है, आप कितना अच्छा बोल सकते हो उसके बारे में, आप कितना अच्छा समझ रहे हो, ठीक है, इसका बेसिकली मतलब होता है, वही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। फिर आता है आपका टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, यानी कि मटेरियल्स में आते हैं जैसे टेक्स्ट बुक, मल्टी मीडिया और भी काफ़ी सारा आ जाता है, जैसे ब्लैक बोर्ड ये, और किसी चार्ट का यूज़ करना, या फिर किसी मूवीज़ के थ्रू बच्चों को दिखाना, तो वो सारी किस्म आ जाता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, ठीक है। फिर हमारा आता है रेमेडियल टीचिंग, इसका एकदम लास्ट टॉपिक है, तो रेमेडियल टीचिंग हमारा लास्ट टॉपिक। फिर लैंग्वेज टू में भी वही सेम आएगा जो मैंने ऊपर बताया है, लैंग्वेज टू पूरी तरह सेम होगी, बस डिफरेंट क्या आ जाएगा, जिस लैंग्वेज को आपने चूज़ किया है उस लैंग्वेज के बारे में पूछा जाएगा, बाकी सब कुछ सेम होता है।
इसमें भी आपका ये होगा पैसेज आएगा और फिर 15 नंबर का पैसेज, और दूसरा आएगा आपका पैडागोजी एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में, ठीक। एंड फोर्थ हमारा है मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में देखिए आपको मैंने जैसे कि बोला था नेक्स्ट, जैसे कि मैंने आपको बोला था लास्ट वीडियो में भी कि इसमें आपको कंसेप्ट क्लियर तो करना ही पड़ेगा, लेकिन कंसेप्ट में आपका ये है कि बेसिक आपको करना है, आपको एडवांस लेवल पर नहीं जाना, ओनली बेसिक, और वो आपका कुछ ही दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए ज्योमेट्री आपकी फर्स्ट है, फिर आता है आपके शेप्स एंड स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग, सॉलिड्स अराउंड अस, नंबर्स, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मेजरमेंट, वेट, टाइम और वॉल्यूम, डाटा हैंडलिंग, पैटर्न्स, मनी एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सारे आपके टॉपिक्स आएंगे और ये टॉपिक आपके नाम से 20 डेज में कंप्लीट हो जाएंगे, और आप बिल्कुल आपका बी के मैथ्स आपको बेसिक से ही अच्छे से करना पड़ेगा। देखो जिसको बेसिक आता है उसका तो 20+ डेज में काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी, जिसका नहीं है उसको तो ये है कि वो 1 महीने में तो कर लेगा, और आपके पास 3 महीने, तो 1 महीने में आपका इजीली मैथ्स अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको डेली रिवाइज करना है, जैसे कि रोज़ एक टॉपिक उठा लिया और क्वेश्चन आपको करके देखने हैं कि कौन सा आपका कमज़ोर है, ओके। इसमें भी आप आराम से 25+ मार्क्स लेके आ सकते हैं, बहुत आराम से। तो ये सिर्फ फॉर दी 50 मार्क्स का पूछा जाएगा कंटेंट, और बाकी का आपका वही पैडागोजी इशूज आपके पूछे जाएंगे, क्योंकि पैडागोजी तो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट ही है, उसकी एक अलग से क्लास हर रोज आएगी। तो पैडागोजी ये लगा लीजिए आपका हर जितने भी ये CDP या जितने भी जो बन रहे हैं हमारे टॉपिक्स इंग्लिश लैंग्वेज और लैंग्वेज टू मैथमेटिक्स एनवायरमेंट, तो सब में पैडागोजी तो आती ही है 15-15 मार्क्स की, तो कितना अच्छा, यानी 75/150 में से 75 आपका पैडागोजी आता है। तो पैडागोजी आपको अच्छे से करना है, आपने अच्छे से कर लिया पैडागोजी में तो 60+ मार्क्स आपके कहीं नहीं गए, और आपको कंसेप्ट अगर क्लियर हो गया तो 60 आपके कहीं नहीं गए, तो आपको 120 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसके पैडागोजी के जो इश्यूज़ हैं वो क्या होते हैं, यही पूछा जाएगा भी नेचर क्या है मैथमेटिक्स का, आपकी लॉजिकल थिंकिंग, इसके जो स्ट्रेटजीज है पैटर्न्स वगैरह ये पूछा जाएगा, प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स करिकुलम, करिकुलम में मैथमेटिक्स का क्या प्लेस है, क्या स्थान है, कितना इंपॉर्टेंट है वो और क्यों इंपॉर्टेंट है, इस तरह की क्वेश्चन आएंगे। लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, कम्युनिकेटिव मैथमेटिक्स, इवेल्यूएशन थ्रू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मेथड, मतलब बच्चों को आपको इवेल्यूएशन भी करना ही पड़ेगा ऑफकोर्स, तो किसके थ्रू होगा आपको फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मैथड्स की तरह से, तो वो मैथड्स क्या होंगे उनके बारे में हम डिटेल चर्चा करेंगे अपने वीडियोज़ में। प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग, प्रॉब्लम्स तो होती है टीचिंग में, हर एक टीचिंग में प्रॉब्लम होगी, तो प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग यहाँ पर आएगा। एरर्स होते हैं और ये डायग्नोस्टिक, यानी कि बच्चों के बारे में आपने पहले जान लिया उनको क्या प्रॉब्लम है, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद इस कॉमन क्या आप उनका रेमिडियल टीचिंग लाएंगे, यानी कि उसको रिमूव करने की, उसको हटाने की कोशिश करेंगे और उसको सुधारेंगे, ठीक है। तो डायग्नोस्टिक एंड रेमिडियल टीचिंग वही होती है कि पहले आप जानेंगे कि बच्चों को, देखो इवेल्यूशन में क्या होता है, इवेल्यूशन हम यही करते हैं कि देखते हैं कि इसमें क्या कमी है, कौन सा बच्चा का क्या पॉइंट वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, तो जो उनके वीक है उसको सुधार करने के लिए जो हम टीचिंग रेमेडियल का इस्तेमाल करते हैं, जो टीचिंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग, ठीक है। तो इस तरीके से मैथ्स आएगा, और फिर लास्ट टॉपिक जो हमारा है वो है एनवायरमेंटल स्टडीज़, ठीक है। इसमें मेरे जो ये हमारा लास्ट है हमारा एनवायरमेंटल स्टडीज़, और इसमें मेरे 28 मार्क्स आए थे, 28 मार्क्स आए थे मेरे एनवायरमेंटल में। टोटल जो मेरे मार्क्स थे वो मेरे आए थे फर्स्ट पेपर में, तो मेरे मार्क्स आए थे 105। सेकेंड में मेरा जो सब्जेक्ट था वो SST था, सोशल साइंस, और इसका मैंने जो थे मैंने नोट्स बनाए थे, एक्चुअली जितने भी सब्जेक्ट थे एनवायरमेंटल का SST के मैंने नोट्स बनाए थे, CDP के, तो मैंने डेली जो उसके कंसेप्ट था वो अच्छे से क्लियर कर लिया था, ओके। और नोट्स में मैंने जो जैसे लर्निंग डिफ़िकल्टीज हो गई और जो मेन चीज़ थी जैसे कि टीचिंग मेथड्स, उन सब के ऊपर मैंने नोट्स बनाए थे, और उनको फिर मैंने लास्ट के जब कुछ टेस्ट बच गए थे 4-5, तो उसको मैंने काफ़ी ज़्यादा रिवाइज़ किया था। और उससे पहले मैंने ये किया था कि अपना कंसेप्ट मैंने काफ़ी फोकस किया था, कंसेप्ट मैंने काफ़ी क्लियर किया था, डायरेक्ट मैंने नहीं किया कि पिछले साल के पेपर देख लिए, वो पहले मैंने कंसेप्ट क्लियर किया, फिर मैंने अपने क्वेश्चंस को टेस्ट सीरीज़ को लेना स्टार्ट किया, और डेली में रिवाइज करने लग गई, और मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स मिल गए थे, और ये मैंने सिर्फ और सिर्फ 20 ही डेज़ तैयारी की थी। तो आपके पास देखिए कितने दिन, और आप ईजिली फिर मेरे इतने आ गए, तो आप सोच सकते हैं आप अभी से अच्छी तैयारी करेंगे तो आपके तो 120 हो सकता है, 130 भी आ जाए, तो इस डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितनी अच्छी अभी से तैयारी करते हैं। तो इसको लाइटली मत लीजिए, अभी से स्टार्ट कीजिए। और एक तो ये है कि पेपर ऑफलाइन नहीं है, पेपर ऑनलाइन है, यानी कि
कंप्यूटर उस पर आएगा तो लैंग्वेज को चेंज करना, उस पर क्लिक करना, फिर नेक्स्ट करना, तो उसमें भी आपका थोड़ा बहुत टाइम तो वेस्ट होता ही है। तो ये होगा कि आपको प्रैक्टिस तो ज़रूर करनी पड़ेगी, और सी टैट द्वारा जो सेंटर्स हैं वो भी प्रोवाइड किए जाएंगे आपको प्रैक्टिस सेंटर्स। तो अभी भी आप अपने फ़ोन में, अपने लैपटॉप में एक बार करके ज़रूर देखिए कितना टाइम आपका लगता है, ठीक है। तो ये आपकी प्रैक्टिस तो बहुत ज़रूरी है। तो जो इन्वायरमेंट है इसमें देखिए, सबसे पहला जो है फैमिली एंड फ्रेंड्स, सिलेबस डिटेल जो पिछले बार था हमेशा आता रहा है वही है, सिलेबस में कुछ चेंज नहीं हुआ है। रिलेशनशिप्स, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स, प्लांट्स, फूड, शेल्टर, वर्क, ट्रैवल एंड थिंग्स वी मेक्स एंड डू, इन सब के ऊपर मेरे पास डिटेल जो नोट्स होते हैं वो हैं। अगर आपको चाहिए तो मैं ज़रूर आपको प्रोवाइड कर दूँगी फ्री कॉस्ट। और जितने भी लोग हैं अगर चाहते हैं तो मैं एक ग्रुप बना दूँगी, व्हाट्सएप ग्रुप, आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उनको उन सबको आपको ऐड कर दूँगी इस ग्रुप में। वहाँ पर आपको डेली मटेरियल, PDF जो भी वीडियोज़ मैं बनाऊँगी उनकी मिल जाएगी आराम से, ठीक है। तो मुझे आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो इसमें यही टॉपिक्स आएंगे, फूड के बारे में, शेल्टर, वाटर, ट्रैवल, एनिमल्स, प्लांट्स, फैमिली एंड फ्रेंड्स, और इसकी हम क्लास बहुत अच्छे तरीके से लेने वाले हैं सब के सब टॉपिक्स की। तो ये था हमारा डिटेल्ड सिलेबस, बस यही हमारा सिलेबस था। और इसके जो पहला तो यही आएगा 15 मार्क्स का, और बाकी और 15 मार्क्स जैसे मैंने बताया पैडागोजी आपकी हाफ मार्क्स यानी कि 75 मार्क्स की होती है। तो इसमें वही पूछा जाएगा कंसेप्ट स्कोप क्या है IBS का, इसके सिग्निफिकेंस क्या है, एनवायरमेंटल स्टडी और एजुकेशन, लर्निंग प्रिंसिपल्स क्या है, हमारे स्कोप साइंस और सोशल साइंस से रिलेटेड, अप्रोच क्या होनी चाहिए, प्रेजेंटिंग कंसेप्ट, एक्टिविटीज़, एक्सपेरिमेंटेशन एंड प्रैक्टिकल वर्क, डिस्कशन, CCE तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका हम अच्छे तरीके से करेंगे। और मैं एक डिटेल वीडियो, सिर्फ एक वीडियो में इसके ऊपर लेकर आऊँगी। टीचिंग मटेरियल एड्स, ठीक है, प्रॉब्लम्स, और यही बस आपका सिलेबस यहाँ पर ख़त्म होता है पेपर वन यानी कि उसके लिए। पेपर टू का वही सारा सिलेबस आपका होगा सेम, सिर्फ दो चीज़ आपका अलग आएगा, वो आएगा आपका जो आपका सेकंड ऑप्शन चूज़ करेंगे सेकंड सब्जेक्ट का, सोशल साइंस और साइंस, ठीक है। बाकी देखिए CET पे आपका ब्रो सेम, CET पे आपका सेम होगा, लैंग्वेज वन आपका बिल्कुल सेम होगा, लैंग्वेज टू भी आपका सेम होगा, बस मैथमेटिक्स में जैसे कि वो ऊपर कंसेप्ट है थोड़ा आपका अलग से करना पड़ेगा जो बच्चे सेकंड सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स और साइंस लेंगे, ठीक है। तो इसमें नोइंग नंबर्स, प्लेइंग नंबर्स, होल नंबर्स, फ्रैक्शंस, ये एलजेब्रा में ये सारा आपका आएगा, ठीक। और जैसे कि ज्योमेट्री, और फिर वही पैडागोजी इश्यूज वही सेम आएंगे, जैसे कि नेचर क्या है, नेचर का तो पूछा ही जाता है, प्लेस, लैंग्वेज, एवोल्यूशन, रेमेडियल और प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग, ठीक। ये रहता है हमारा साइंस का, साइंस आपसे पूछा जाएगा जैसे कि फूड के बारे में, फूड का क्या है, सोर्सेज, कंपोनेंट्स, क्लीनिंग फूड, फिर मटेरियल्स, द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग मूविंग थिंग्स, हाउ थिंग्स वर्क, नेचुरल फेनोमिया, ठीक। ये आपका होगा सिलेबस साइंस का। इसमें फिर पैडागोजी का इशू वही अगेन सेम, पैडागोजी तो आपकी सेम ही आने वाली है, बस सब्जेक्ट चेंज हो जाता है। तो अब जैसे नेचर ऑफ, फॉर एग्जाम्पल सोशल साइंस आपका सब्जेक्ट है तो नेचर ऑफ सोशल साइंस पूछेंगे, साइंस है तो नेचर ऑफ साइंस पूछेंगे, बाकी जो CDP वगैरह तो उसका वो मतलब वही ऐड हो जाता है, लेकिन कंसेप्ट सबका पैडागोजी में आपका सेम रहेगा, ठीक। ये सब आपका सब्जेक्ट है, देख लेना इसका, जैसे नेचर हो गया, नेचुरल साइंस, एम्स, अंडरस्टैंडिंग, अप्रोचेस, ऑब्जर्वेशन, टीचिंग एड्स, मेथड, इवेल्यूशन और प्रॉब्लम्स। और उसके बाद फिर हमारा आता है सोशल साइंस, सोशल साइंस में आपका आता है हिस्ट्री, हिस्ट्री आएगा सबसे पहले, फिर आता है हमारा ज्योग्राफी, फिर आता है हमारा सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, फिर वही उसके बाद ये ए में सारी चीज़ आएंगी और पार्ट बी में हमारा पैडागोजी इश्यूज आएंगे। तो पैडागोजी इश्यूज़ का तो बहुत इजी है, मैं आपको डेली एक वीडियो इसकी प्रोवाइड कर दूँगी। और देखिए जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री के मेरे पास काफ़ी ज़्यादा नोट्स हैं, हिस्ट्री के मतलब पूरे SST के मेरे पास बहुत अच्छे नोट्स बने हुए हैं। तो अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है लेने के लिए तो मुझे ज़रूर बता दीजिएगा, मैं वैसे वो वीडियोज़ ही लेके आ जाऊँगी आपके लिए, लेकिन PDF भी मैं आपको बना के दे दूँगी इफ एनीवन इंटरेस्टेड, ठीक। तो देखिए हिस्ट्री में जैसे कि यही पूछा जाएगा आपसे, जैसे वैन, वेयर एंड हाउ, यानी कि 6 to 8, इन शॉर्ट 6 to 8 का आपको साइंस हो या फिर सोशल साइंस हो, 6 to 8 आपको अच्छी तरीके से करना है बस, ठीक है। और इन सब की मैं एक वीडियो आपको लेके आ जाऊँगी, सो डोंट वरी, आपका यही आएगा जैसे वैन, वेयर, हाउ,
फर्स्ट सिटीज, अर्लीस्ट सोसाइटीज, फर्स्ट फॉर्मर्स एंड हार्डर्स, न्यू आइडियाज, अर्ली स्टेट्स, फर्स्ट एम्पायर, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, कल्चर, साइंस, जो ये सारी चीज़ें वो आ जाती है हमारी, रूरल लाइफ, सोसाइटी और रिवोल्ट ऑफ 1758, मतलब इंडिपेंडेंस, मतलब जो भी हमारी हिस्ट्री वो रही इसमें आ जाएगी। फिर आता है हमारी ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में वही आता है हमारा एयर, प्लांट, ग्लोब, और ये भी काफ़ी ईजी है। और फिर ह्यूमन, एनवायरमेंटल रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर भी इसके उसमें आ जाएंगे। फिर लास्ट हमारा एक बचता है सोशल एंड पोलिटिकल लाइफ, जिसको पहले सिविक्स कहा जाता था, 6 to 8 आपको करना ही है अच्छे से, ठीक है। इसमें आ जाता है आपका डाइवर्सिटी, गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी, स्टेट गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशरी हो जाएगा हमारा, पार्लियामेंट, गवर्नमेंट, सोशल जस्टिस वगैरह, ये सारा का सारा आपका आता है एज स्ट्रीम। पैडागोजी में अगेन वही सब कुछ सेम आने वाला है, आपका कंसेप्ट पूछे जाएंगे, क्लासरूम एक्टिविटीज़ पूछी जाएंगी, क्लासरूम प्रोसेस आपको पूछा जाएगा, इंक्वायरी पूछी जाएगी, क्रिटिकल थिंकिंग ऑफ कोर्स जो पहले भी था हमारा, प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं इसमें, सोर्सेज क्या हैं, वैल्यूएशन, और वही आपकी रेमेडियल टीचिंग वगैरह सब कुछ सेम इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा डिटेल सिलेबस था जो कि मैंने आपको दिखा दिया है। नीचे यहाँ पर आपको नोट भी दे दिया है कि फॉर डिटेल सिलेबस ऑफ क्लास 1 to 8 प्लीज़ रेफर टू NCERT सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक, ठीक है। तो NCERT तो हमारा मेन है, और बाकी मैं 6 to 8 तक आपको पूरा सिलेबस प्रोवाइड करा दूँगी, सो डोंट वरी। और हमारी काफ़ी अच्छे से तैयारी भी हो जाएगी पर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके और सब के सब टॉपिक्स पे। तो ये था हमारे डिटेल सिलेबस, आई होप कि आपको अच्छी लगेगी वीडियो। और इनका सिलेबस की जो क्लासेस है मैं कल से या फिर एक आध दिन से अपना कंटेंट तैयार करके मैं स्टार्ट कर दूँगी, और आपको वो ज़रूर पसंद आएंगे, काफ़ी ऑथेंटिक होगी और NCERT से ही होगी सब। सो ये हमारा सिलेबस था। सो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, और हमारे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।